हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़े थे मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। सो उसमें हम क्या पढ़े थे, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, उसी के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सो उसका जो कि नेक्स्ट फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज था, क्या था, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो किसमें इंक्लूड होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में, और हम इसको क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है हमारा फोर्थ सेमेस्टर में, इसका पूरा चैप्टर ही दे रखा है। सो यहाँ पर हमको केवल वैसे पढ़ना है, शॉर्टली पढ़ना है, जिससे हमको केवल इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप है और ये है क्या। सो आइए पहले देख लेते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में वैसे बहुत कुछ है, अगर एज आ ऑर्गेनिक यूनिट में दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन इसमें आप केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। सो स्टीरियो हमारी केमिस्ट्री हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सन स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। मीन जैसे कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, उसके जो ग्रुप्स हैं वो क्या है स्पेशियल। मीन्स अगर कोई भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको इमेजिन कर सकें, मीन्स इसी को अगर इमेजिन कीजिए, तो इसमें क्या होता है जो ग्रुप्स हैं उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में, अगर जैसे हम दो स्ट्रक्चर ले रखें इसके, अगर ग्रुप्स का जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन साइड है, N2S5 इस साइड है, और यहाँ पर क्या हो C2H5 साइड है, हाइड्रोजन साइड है। मीन्स अगर इसको देखें तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर मिरर लगा तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या होता है, एक दूसरे से वो डिफर होते हैं, और इसी के लिए वो क्या हो एक दूसरे के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसी को क्या कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। मीन्स जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमारा, उसका जो स्पेशियल जो आकाशीय व्यवस्था, मीन्स स्पेस की जो व्यवस्था है, उसकी क्या होती है, एक दूसरे से डिफर होती है, और इसी फिनोमिना को क्या कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आता है। सो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, मीन्स वे मॉलिक्यूल्स, मीन्स मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला एंड रिजेंबल ईच अदर इन देयर केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन दियर बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स जैसे कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, एंड वो एक दूसरे से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एक दूसरे से रिजेंबल, मीन्स एक दूसरे से सिमिलरिटी शो कर रहे हो, लेकिन उनकी जो डिफर कहाँ पर होते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स अगर उस स्ट्रक्चर को क्या होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रखें, तो वो क्या होगा उस लाइट को या तो डेक्सट्रोरोटरी घुमा देगा, या मिस क्लॉकवाइज, या तो लिबोरोटरी मिस एंटी क्लॉकवाइज। इसी में जो मिस जैसे एक होगा, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या घुमा दे रहा है, डेक्सट्रोरोटरी घुमा दे रहा है, और ये क्या है लिबोरोटरी, मिस ये एक दूसरे से उसी में डिफर शो करते हैं। मिस ये इनकी जो बिहेवियर होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराने की, वो एक दूसरे से डिफर होती है। So, इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो रोटेशन होता है वो हमारा दो तरीके से होता है, मीन्स मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल है, या तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स क्लॉकवाइज क्या, जैसे हमारी कोई घड़ी ले लीजिए, वॉच ले लीजिए, उसका क्लॉकवाइज मीन्स उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से वो रोटेट कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उसका उल्टा, या तो उल्टा रोटेट कराएंगे या तो फिर क्लॉकवाइज। और इसको क्या है डेक्सट्रोरोटरी या लिबोरोटरी भी कहते हैं। और इसको अगर शो करा जाए, मीन्स इंडिकेट कराने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव से भी इसको शो कराते हैं। और इसमें एक पॉइंट और भी है, मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स क्या है प्लेन पोलराइज जो हमारी लाइट है उसको क्या कहते हैं, जो रोटेट कराते हैं उसको क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मीन्स कोई भी हमारा जो है वो रोटेट करा रहा है, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाएगा। दे कंटेन्स कायरल कार्बन। अब यहाँ पर क्या रहा है, एक वर्ड आ रहा है कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पर ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, मीन्स जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक कायरल कार्बन को कंटेन किए रहेंगे। मीन्स उसमें क्या होगा, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। अब कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वे कार्बन होते हैं जिनसे जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मीन्स जैसे कार्बन हमारा फोर वैलेंसी वाला है, मीन्स उससे चार बाउंड शो करता है, उससे चार ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। मीन्स चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफर डिफर होंगे। आप यहीं पर देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, CH3 एंड C2H5, ये सभी क्या है डिफर डिफर हैं। मीन्स उसी को कायरल कार्बन कहेंगे, जब कार्बन से क्या है सभी ग्रुप जो है चारों जो बैलेंसीज है उसके, उससे सभी ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन होंगे, तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा। और यहाँ पर
क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सब डिवीजन में क्या होता है, मीन्स इसको दो टाइप्स में किया गया, एनेंसियोमेरिज्म एंड डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक इसका मेसोमर्स भी है, लेकिन वो इसमें इंक्लूड करने का कोई वो नहीं है, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो एनेंसियोमेरिज्म हमारा क्या होता है, हैविंग वन कायरल कार्बन, मीन्स जैसे कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, केवल एक कायरल कार्बन, जैसे यही है तो इसमें केवल एक कायरल कार्बन है, केवल एक ही कार्बन से क्या है ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो वहाँ क्या होता है इनेंसियोमर्स होता है, और उस फिनोमिना को क्या कहेंगे, इनेंसियोमेरिज्म, मीन्स जो एक दूसरे से इनेंसियोमर्स होंगे उसको इनेंसियोमेरिज्म कहेंगे। सेकेंड होता है हमारा डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा में उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा मोर देन वन कायरल एटम्स, मीन्स जो कार्बन एटम होगा, जो हमारा कायरल कार्बन होगा वो एक से अधिक होगा, दो तीन या उससे अधिक, तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे डाया स्टीरियो आइसोमर्स। इसको एज एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ले रखा क्या डी पेंसिलामाइन, अगर इसको हम देखें तो इससे कार्बन से जैसे इधर सी ओच होगा, इधर एच होगा, इधर एन एच टू, और इधर इस कार्बन से ये पूरा हमारा ग्रुप हो गया, मीन्स इस कार्बन से जो है चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो एक कायरल कार्बन ये हो गया। अब इस कार्बन कार्बन को अगर हम देखें तो सी एच थ्री, सी एच थ्री एंड एस एस, और ये पूरा मीन्स यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डिफरेंट ग्रुप होता तो इसमें क्या है दो कायरल कार्बन प्रेजेंट होते, तो ये क्या कहलाता है एक दूसरे का डाया स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर कहलाता। एज एग्जाम्पल इसको दिखा रहे हैं, मीन्स इसमें तो जैसे सेम ग्रुप दिखा रहा है, तो वही यहाँ पर जैसे इसमें तो ये केवल एक ही कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसमें केवल यही होता है। अब इसका क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल एक्शन में क्या रोल है, अब उसको देख लेते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल एक्शन में क्या रोल होता है, मीन्स इनेंसियोमर्स जैसे अगर ले लें, इनेंसियोमर्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एज पर रोटेशन, मीन्स कोई भी हमारा जो इनेंसियोमर होता है उसकी क्या होती है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो क्या होती है डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारी ले लेते हैं, जो लीवर रोटेटरी क्विनीन है, जो एंटी क्लॉकवाइज क्विनीन है, वो क्या करती है मलेरिया को ट्रीट करती है, मलेरिया फीवर को, लेकिन जो जो डेक्सट्रो रोटेटरी है वो उसका कोई एक्शन नहीं होता, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, मीन्स वो क्या है एक दूसरे से ये डिफर है। सेकेंड क्या है हमारा, अगर हम डेक्सट्रो रोटेटरी ग्लूकोज ले लें तो वहाँ पर क्या होता है वो इजिली मेटाबोलाइज हो जाता है इन बॉडी, लेकिन अगर वो लीवर रोटेटरी ले लेते हैं तो वो क्या होता है मेटाबोलाइज नहीं होता है। एंड जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, एड्रीनेलिन हम ले लें अगर, इज मोर एक्टिव देन टी, मीन्स जो लीवर रोटेटरी एड्रीनेलिन होगा वो क्या होगा डी डेक्सट्रो रोटेटरी से मोर एक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या है ये मिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मिस कोई भी जो हमारी ड्रग है, कोई भी हमारी जो मेडिसिन है वो क्या है मिस उसको एक्टिव और इनएक्टिव होने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, मिस ये क्या है स्ट्रक्चर या डिजाइन चेंज होने से क्या है हमारी प्रॉपर्टी पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। सो और जो हमारा थर्ड का एग्जाम्पल है इसको जैसे स्ट्रक्चर में ही देख लीजिए, यहाँ पर आप देखें जो ग्रुप्स होता है मिस डेक्टो ये है क्या है डी एस्पैराजीन है एंड ये एल एस्पैराजीन है। तो डी एस्पैराजीन क्या होता है ये क्या तो स्वीट टेस्ट होता है, लेकिन येल एस्पैराजीन होता है टेस्टलेस होता है, जो ये होगा हमारा वो टेस्टलेस होगा। मीन्स अगर किसी का जो डिजाइन चेंज हो रहा है, जो एक दूसरे से आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वहाँ पर क्या होता है इससे इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। दिस इज अकर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, मीन्स क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है ड्यू टू रोटेशन। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट हमारा क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही है, मीन्स आइसोमर्स हुज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन द रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अबाउट डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड फिनोमिना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म। मीन्स जो ये आइसोमेरिज्म जो सो रहे वो क्या कराएंगे एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता था, जो ये होता था यहाँ पर जो कार्बन की होती थी वो जैसे यहाँ पर सिंगल कार्बन होता था, मीन्स सिंगल सिंगल कार्बन के बीच ले लीजिए वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर डबली बॉन्डेड, मीन्स दो कार्बन होंगे वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, और जो वहाँ पर जो यहाँ पर जो ग्रुप के स्पेशियल जो अरेंजमेंट होगी
वो ग्रुप क्या हो गए, मीन जैसे आप ले लीजिए यहाँ पर सेम सेम साइड है से ए एंड ए बी एंड बी, मीन जब कार्बन कार्बन जब डबली बॉन्डेड हो तो ये और ग्रुप का है सेम सेम साइड हो तो वह क्या कहलाएगा हमारा सिस आइसोमर। मीन जैसे इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म वो करते हैं मीन उसमें जो इसमें उसमें क्या होता था कायरल कार्बन होता था मीन सभी ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जुड़े होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड तो क्या कराएंगे सिस आइसोमर। मीन यह क्या क्या होंगे एक दूसरे से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे तो मीन्स इसे दोनों में। और अगर दूसरा ले लें तो उसमें क्या होगा सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, जैसे यहाँ पर ए सेम साइड यहाँ पर ए डिफरेंट डिफरेंट साइड हो गया। तो जो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म शो का आइसोमर शो करते हैं आइसोमर्स होते हैं उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट होता है कि जो जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं मीन्स क्या होता है आइसोमेरिज्म अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर जैसे आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आप जैसे लीजिए अगर ये जब मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन है तो इनके बीच अगर रोटेशन होना रहेगा तो ये सिंगली बॉन्डेड है, इनके बीच अगर रोटेशन यहाँ पर होना है तो वो आसानी से रोटेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी कार्बन को अगर डबली बॉन्डेड मीन जैसे दो टाइप्स जोड़ दें, इसको मैंने बड़ा कर दिया मीन जैसे आप ले लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है मान लीजिए ये सिंगली है मैं एक दूसरे से सिंगल, तो ये आसानी से रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डबली बॉन्डेड मीन दो चीज से जुड़ा मान लीजिए ये 2 किलो से जुड़ा हुआ है तो इसको रोटेट कराना उतना आसान नहीं है मीन ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते। तो यहाँ पर ये वही कह रहा है आइसोमेरिज्म अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डीज टाइप ऑफ आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मीन जो ये आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो एक दूसरे से डिफर होगी और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी वो भी डिफर होगी। बिकॉज डिफरेंट डिस्टेंस सेपरेट द फंक्शनल ग्रुप एंड आइसोमर्स गेट डिफर इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे यहाँ पर क्या होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए जो ये हमारा है सी सी डबल वन विज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और वहाँ पर ओ एच ओ एच तो सेम साइड है जैसे देख लीजिए तो ये हमारा सिस हो गया। लेकिन अगर हम ट्रांस को ले लें तो ओ एच ओ एच डिफरेंट साइज भी होगा, तो यहाँ से और यहाँ के डिस्टेंस अगर ली जाए और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ली जाए तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें डिस्टेंस बढ़ी जा रही है। मीन्स इसमें क्या कह रहा है जो डिफरेंट डिस्टेंस हो जाता है सेपरेट हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के एक दूसरे से, जब वो सेपरेट हो जाते हैं आइसोमेरिज्म में तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी वहाँ पर चेंज हो जाती है जो जो क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कारण होती है। मीन्स वो आइसोमेर्स हो जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिफर हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मीन्स एक दूसरे से डिफर हो जा रहे हैं एक्टिविटी में। जैसे ट्रांसफॉर्म इज मोर पोटेंट देन सिस आइसोमर, जैसे जो डाइस्टाइल इथाइल स्टील बेस्टेरॉल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है जो ये फॉर्म है वो क्या होगा हमारा मोर पोटेंट होगा मीन्स इसकी जो पोटेंसी होगी वो ज्यादा होगी देन सिस आइसोमर, जो सिस आइसोमर है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड क्या होगा इट आल्सो इफेक्ट द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो ड्रग और रिसेप्टर के इंटरेक्शन को भी क्या करता है इफेक्ट करता है। और कैसे इफेक्ट करता है जैसे आप ले लीजिए मान लीजिए ये हमारा है कोई भी तो इसमें जैसे सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसके लिए जैसे मान लीजिए रिसेप्टर तो सेम रहेगा लेकिन जैसे दोनों ड्रग क्या है एक दूसरे के आइसोमर हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और यहाँ पर क्या होगा रिसेप्टर तो दोनों का सेम होगा लेकिन जब वो क्या होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पर जैसे डिजाइन इनका चेंज हो रहा है यहाँ पर ये सेम साइड यहाँ पर ये चेंज सी हो जा रहा है तो यहाँ पर ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज होने से जो ड्रग की स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होगा तो यहाँ पर जो जैसे ये स्ट्रक्चर इस साइड था यहाँ पर इस साइड होगा ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर से बाइंड करने में इससे इंटरेक्शन करने में क्या होगा नहीं कर पाएंगे, जैसे ये यहाँ पर फिट हो गया ये यहाँ पर फिट हो गया ये यहाँ पर मीन्स ये दोनों फिट हो सकते हैं। लेकिन जब इसको स्ट्रक्चर को लेंगे तो रिसेप्टर तो हमारा सेम ही रहेगा लेकिन जो ड्रग स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण वो रिसेप्टर से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हियर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर इट कैन नॉट बाइंड विथ रिसेप्टर एंड डू नॉट शो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है जिससे वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा क्योंकि जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा। सो इसमें इतना ही था, यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। सो थैंक यू।